ट्रैवलिंग ब्लॉग लास्ट हमने एंड किया था बादशाही मस्जिद पे, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे, और हाँ घंटी को जरूर दबाना। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, सब कैसे, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम बाज़ार का विज़िट करने वाले हैं। पूरा बादशाही मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे शाही बाज़ार लोकेटेड है, जहाँ पे आपको फुल मतलब स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा और आपको अच्छी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी भी मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर बादशाही मस्जिद आते हैं तो आपने मस्ट है कि आपने ये वाला बाज़ार विज़िट करना है। ये बादशाही मस्जिद का गेट था, उसके बिल्कुल ही फ्रंट पे आपको सारी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे एंटिक ज्वेलरी है और यहाँ पे हर किस्म की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, लेकिन ये है कि ये जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, तो इस वजह से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी मिलती है। थोड़ी बहुत नहीं लेकिन काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आँखों पे बिल्कुल लग जाती हैं तो बंदा वो ले ही लेता है। मैंने भी यहाँ से अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस हम लोग सारी शॉपिंग कर रहे थे, अम्मी अपने लिए रिंग्स चेक कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपको गोल्ड की रिंग्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे, मतलब ज्वेलरी पूरी आप लोगों को गोल्ड की भी मिल जाएगी। लेकिन मैं अपने लिए हमेशा एक अंगूठी ढूंढती रहती हूँ, जो कि बड़े बड़े स्टोन्स वाली होती हैं जरकून की, तो मैं वो वाली रिंग्स अपने लिए ढूंढ रही थी। और मुझे बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद आती हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ इतना खास लगा नहीं था। अम्मी सारी चीज़ें देख रही थी कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, फिर मुझे ये था कि हम कुछ अच्छा सा खा लें, फिर घूम फिरें, बस मज़ा करें ना। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाली शॉप को अच्छे से विज़िट किया था। ज़्यादातर मैंने यहाँ पे जो है वो एंटिक पीस में ये सारी ज्वेलरी देखी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन मैं हिजाब करती हूँ, इसलिए मुझे मैंने ये वाले नेक पीस लिए नहीं थे, क्योंकि ये ना चौकर टाइप के होते हैं जो कि गर्दन पे जो है वो गर्दन पे पहने जाते हैं, लेकिन मैं हिजाब करती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा ज्वेलरी का मेरा काम होता नहीं है, जस्ट ब्रेसलेट और रिंग्स का मेरा काम होता है। तो और जो बड़े वाले नेक पीस होते हैं मैं वो ज़्यादातर लेती हूँ, जो कि आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे हिजाब के साथ। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, मेरी एक आदत है, बाज़ार में आपको कोई भी चीज़ नज़र आए ना, मार्केट जाओ, मॉल जाओ, कहीं पर भी कोई भी चीज़ नज़र आए तो एक बार ज़रा चेक करनी होती है। तो इसलिए मेरा, हालाँकि जेंट्स रिंग में मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन वो दूर से शेर शेर टाइप वाली रिंग्स दिख रही थी, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें चेक की। यहाँ पर अंकल ही देख रहे थे, लेकिन मैं शूट भी कर रही थी, फिर मैं ज़रा चेक भी कर रही थी सारी चीज़ें, हालांकि मेरा उसमें कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी शुगल भी लगाना होता है, कोई बात नहीं। खैर, यहाँ से फिर हम लोग दूसरी शॉप की तरफ जा रहे थे, अंकल बहुत ज़्यादा खड़ूस लग रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ की ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ना यहाँ पे एंटीक पीस ऐसे थे जो कि आप शो पीस के लिए रख सकते हैं, तो मेरा उन चीज़ों में इतना कोई काम था नहीं, इसलिए मैं वहाँ गई नहीं। और अंकल से पहली बार डर भी लग रहा था, क्योंकि अंकल बहुत खड़ूस से थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपकी ये वाली लेन ख़त्म होने के बाद आगे जो है वो छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बने हुए हैं। बहुत आगे की तरफ जाने के बाद हवेली रेस्टोरेंट है, जो कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का। वैसे यहाँ के सारे छोटे छोटे से कार्ट्स भी हैं, वो भी बहुत फेमस हैं, लेकिन हवेली रेस्टोरेंट कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फेमस है। लेकिन वहाँ पे जो है वो आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है अपनी। अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई होती तो वो आपके नसीब पर बात होती है कि अगर आप लोगों को वहाँ पर जो है वो जगह मिल जाए तो, वरना वो इतना फुल होता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। और हम जब बाहर निकले थे तो हमें रात ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा होगा, हमने बादशाही मस्जिद, लाल किला वगैरह सब कुछ विज़िट करने के बाद हम फिर यहाँ पे आए थे। ये मैंने ब्लॉग में टू भी कंटिन्यू किया था, ये ब्लॉग का दूसरा पार्ट है, जो कि हमने उसी दिन जो है वो एक्सप्लोर किया था, इसलिए हमें रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, हम ज़्यादा वेट कर नहीं सकते थे, वरना हम वहाँ पर वेट करके हवेली रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर इन्जॉय करते। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें इतनी प्यारी लग रही थी, नो पंजाब टाइप का एरिया था, इस वजह से यहाँ पे जो ट्रक्स वगैरह थे वो इतने प्यारे डेकोरेट हुए हुए थे। और यहाँ पे छोटे छोटे जो शोपीस जो थे, ये है कि अगर छोटी भी चीज़ हो ना तो वो एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है यहाँ पे, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ देख के आप पैसे दो ना तो वो बात अलग होती है, लेकिन छोटी चीज़ों के भी अगर एक्स्ट्रा पैसे हो ना तो फिर दिल भी नहीं करता वो वाली चीज़ें लेने का।
था पपेट शो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैड एंड वर्स्ट बैटरी टाइमिंग मैं देख नहीं पाई, मतलब व्लॉग जो है वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे चार्जिंग बचा बचा के आगे तक जाना था, इसी वजह से मैंने वो शूट नहीं किया। लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि वो जो पीछे से वो उनको मूव करवा रहे थे ना, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स बने हुए थे वो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस टाइप के रेस्टोरेंट्स बने हुए थे, जिनमें ये था कि हवेली रेस्टोरेंट, मुझे ज़रा थोड़ी ना क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मुझे वो रेस्टोरेंट देखना है कि वो कैसा है, लेकिन इट्स क्वाइट गुड, बट इतना कुछ इंटरेस्टिंग मुझे लगा नहीं वो वाला रेस्टोरेंट। अब ये बात अलग है कि वहाँ का खाना कैसा होता है, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग था, हम लोगों ने पता करवाया था, लेकिन वहाँ पे ये था कि जो सीट्स थी वो सारी रिजर्व थी और हमें वहाँ पे बैठने के लिए अभी वहाँ पे प्लेस मिल रहा नहीं था, तो इसलिए हमने वेट हम कर नहीं सकते थे, इसलिए हमने जस्ट यहाँ से सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और आगे चल के मैंने खाया था पान। अच्छा, मैं पान छालिया वगैरह वाली चीज़ें मैं कभी प्रेफर करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे मीठा पान जो था वो मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी उसकी, तो इसलिए हाँ ये वाला हवेली रेस्टोरेंट है, ये कुछ इस तरीके का बड़ा सा ही रेस्टोरेंट है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पान इन्जॉय करना था मुझे, जो हम आगे वाली बिल्कुल इसके फ्रंट पे यहाँ पे पान मिल रहा था, तो जो कि बहुत मज़ेदार से उसमें सारे मेवे वगैरह डाल के अंकल ने काफ़ी इंटरेस्टिंग सा, वो काफ़ी टेम्पटिंग सा उन्होंने वो पान बनाया था। और मुझे पान खाने के बाद ही मैंने फ़र्स्ट बाइट लिया था, और उसी में मुझे इतनी खांसी हुई, इतनी खांसी हुई, क्योंकि मुझसे ना ये सारी चीज़ें खाई जाती नहीं है, तो इसलिए वो मैंने थोड़ा सा ही खाया और फिर मैंने वो बचा दिया था, मम्मी को दे दिया था, उनसे भी नहीं खाया गया था, क्योंकि हम में से हमारी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाता, तो इसलिए वो सारे ना जो पान था वो हमने साइड कर दिया था, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जा रहा था, अब तबीयत ख़राब, उससे बेहतर बंदा को छोड़ देना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इतने मज़े से अंकल पान बना रहे थे, वो हम लोगों ने इन्जॉय किया, इन्जॉय क्या किया, कोई इन्जॉय नहीं किया वो पान हमने फिर। लेकिन ये पान जो था वो मुझे यहाँ के प्राइस तो नहीं पता कराची के, लेकिन वहाँ पे जो पान था 150 रुपये का हमें पान मिला था, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, पहली बार हमने यहाँ से पान खाया था। और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे जा रहे थे, क्योंकि हमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, एटलीस्ट हमें 9 बजे का टाइम हो रहा था, और हमें अपने प्लेस पर भी वापस जाना था, तो जहाँ पे मतलब हमें टाइम की थोड़ी ना पाबंदी करनी पड़ती है ना, वो वाला सीन था। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें, मैं दूर दूर से देख रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें ना बच्चों वाली थी अब, तो इसलिए मैंने वो ज़रा टारगेट नहीं होते, वो निशाने लगाने वाले बलून जो होते हैं वो वाली चीज़ें भी यहाँ पे थी, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से, मतलब मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा ये वाली। अगर आप लोग लाहौर जाते हैं बादशाही मस्जिद पर, तो उसके बैक साइड वाला जो लेन है पूरी शाही बाज़ार जो है वो मस्ट आपने विज़िट करना है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आपने स्ट्रीट फूड अगर इन्जॉय करना है तो आप वो भी इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से फिर हम बाहर जा रहे थे, बस यही तक था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाएंगे इस्लामाबाद, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।